क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज हैं और 12 महीने क्रिकेट से दूर रहने के बाद भी उनकी नंबर वन की कुर्सी विराट कोहली के पास कुछ ही दिन रही और वापसी के साथ स्मिथ फिर से नंबर वन पर काबिज हो गए। अब जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है और सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने शानदार अंदाज में जीत भी लिया है, लेकिन फिर भी स्टीव स्मिथ ने खुद को ही बेहद कड़ी सजा दे दी, जिसके बाद तो पूरी दुनिया स्मिथ की महानता के गुण गा रही है। तो क्या ऐसा हुआ कि स्मिथ को खुद को ही सजा देनी पड़ी? और आपको बताते हैं, आप भी स्मिथ को लेकर कमेंट जरूर करें। तो ब्रिस्बेन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक पारी और 5 रन से हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली, लेकिन इस मैच में स्टीव स्मिथ का बल्ला खामोश ही रहा और सिर्फ 4 रन पर पाकिस्तान के गेंदबाज यासिर शाह ने उन्हें बोल्ड कर दिया और 7वीं बार स्मिथ को यासिर शाह ने आउट किया। इसके बाद मैच पूरा हुआ, ऑस्ट्रेलिया मैच जीत भी गया, लेकिन जैसे ही टीम होटल जाने के लिए बस के पास पहुंची तो स्मिथ ने होटल जाने से इनकार कर दिया। स्मिथ ने टीम बस में सिर्फ अपना सामान रखा और खुद पैदल ही होटल के लिए चले गए। करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्टीव स्मिथ होटल पहुंचे और जब इस बारे में अन्य लोगों को पता चला तो सब ने स्टीव स्मिथ की तारीफ की। खुद स्मिथ ने कहा है कि जब वो अच्छा नहीं खेलते हैं तो वो खुद को सजा देते हैं और शतक लगाते हैं तो खुद को चॉकलेट की ट्रीट देते हैं, और इसी सजा के तौर पर वो पैदल चलकर होटल पहुंचे। वैसे कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो खुद को अच्छा खेलने पर ट्रीट देते रहे हैं, लेकिन खराब खेलने पर सजा देने वाले स्मिथ पहले खिलाड़ी हैं और दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी स्टीव स्मिथ के इस जेस्चर पर उनकी खूब तारीफ की है। यानी फैंस भी स्टीव स्मिथ की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें सबसे महान बता रहे हैं। तो स्टीव स्मिथ के अंदाज पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।